नमस्ते दोस्तों, मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रेजेंटेक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक और यूनिक सी एक और मैं वीडियो लेके आया हूँ। एक थोड़ी बेहतरीन वीडियो है जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, वो गारमेंट से रिलेटेड है, जैसे क्लोथ से रिलेटेड। जैसे आज के टाइम में ज़्यादातर लोग हाईलाइट होना चाहते हैं, थोड़ा ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, जैसे ब्लिंक्स वगैरह स्टिकर निकाल के प्राइस, जिससे कि कस्टमर को शो ऑफ भी हो जाए और आपको याद भी रहे कि मैं उस क्लोथ को क्या प्राइस दे रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। उसमें मैं आपको पूरा सेटअप, कैसे कैसे किस किस चीज़ की नीड होती है, क्या क्या लगता है और कैसे प्रोसेसिंग होती है, हर चीज़ डिटेल में आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको ये दिखाता हूँ मैं। आपका आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, पर इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पहले सेटअप जो स्टार्ट होता है वो बताऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा एक प्रिंटर रखा है, ये बारकोड प्रिंटर है और इस पर मैंने कुछ नॉर्मल से एक स्टिकर प्रिंट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें कंपनी नेम, जो आपका कंपनी नेम होगा, जो भी आपके क्लोथ्स में शर्ट है, जीन्स है या लोअर है, उसका साइज़, कलर, MRP, देन बारकोड। बारकोड का पर्पस आपको अच्छे से पता होगा। बारकोड कोड इसलिए रखा जाता है ताकि आपका कितना स्टॉक अवेलेबल है आपके स्टोर में, और उससे पता चलता रहता है कि ये स्टॉक कितना बच रहा है, कितना है, आगे कितना ख़त्म होने वाला है या कितना बिक चुका है, सेल हो चुका है, उससे रिलेटेड ये बारकोड कोडिंग इसीलिए की जाती है। तो दोस्तों, अब ये कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, मान लीजिए आप नया स्टॉक लेके आए, आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं और रॉ मटेरियल को लेके आने के बाद आपका काम क्या होता है कि उस पर प्राइसिंग लगाना। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें और आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको बारकोड प्रिंट करने से पहले आपके पास क्या चीज़ है, सिस्टम है या लैपटॉप है, ये सबसे पहला होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको नीड पड़ती है प्रिंटर की, जिसमें आप इसकी कोडिंग करें। जैसे कि मानते हैं आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, उन रॉ मटेरियल्स में इस टाइप के कुछ लेबल्स होते हैं और इन्हीं लेबल के पीछे आज के टाइम में जो फैशन है, वो फैशन ये है कि हम पीछे एक उसका MRP स्टिकर बना करके लगा देते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी पुराने टाइमों में जो नॉर्मल चलता था कि उनका कोई हिसाब नहीं रहता था कि ये कैसे रखना है, इनको कैसे लेना है, हम क्या करते थे, सिर्फ पेन से लिख दिया या रैंडमली किसी चीज़ को आइडिया रख लिया कि इसको इतना प्राइस में बेचना है। कस्टमर उस चीज़ में थोड़ा सा सोचता है, अटकता है, कह रहे यार ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है ना कि कस्टमर को पहले ही वेरीफाई हो जाते हैं वो कि इस पर MRP लगा हुआ है। अभी तो नहीं लगा है, मैं जिस पर लगा के दिखाऊंगा आपको, जैसे कि मैंने प्रिंट किया है, मैं इसको इस पर लगा सकता हूँ। और होती क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये प्रिंटर लिया और प्रिंटर के साथ एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है बारटेंडर, जिस पर हम खुद, ये आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन, आप थोड़ा सा नज़दीक देखें, जो मैंने ये प्रिंट किया है यही मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब ये देखेंगे स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे, ये बारटेंडर होता है जो प्रिंटर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। अब ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, अब इनको मैं कभी भी कैसे भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी का साइज़ 32 है, तो मैंने 32 साइज़ कर लिया, लोअर का ब्लैक या ब्लू या वाइट, जो भी उनको लोअर चाहिए होता है, वाइट, देन MRP जो भी आप रेंडमली उसका रखना चाहते हो, 550 अप्रॉक्स, या फिर कोडिंग जैसा भी आप इसमें रखना चाहें, कोडिंग भी रहता है, जो भी आप इसको देना चाहते हो। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नॉर्मल नंबर ही डाल सकते हो, इसमें आप अल्फ़ाबेट और नॉर्मल दोनों को मिला करके भी डाल सकते हो। कोड होता है, ताकि मैंने आपको अभी भी बताया बीच में कि कोड एक सिर्फ हमारा आइटम्स की क्वांटिटी के लिए, ताकि हमारे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल में आई, लगाया और उसको चढ़ाया गया हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में। आपने नॉर्मल चीज़ें देख ली हैं, अब आप देख पा रहे होंगे मैंने एक डिज़ाइन क्लियर कर लिया। अच्छा दोस्तों, कुछ चीज़ें और आपको बतानी है। जैसे कि आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानना है, तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, उसमें इससे रिलेटेड और इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी सारी डिटेल्स वीडियो के साथ है, आप देख सकते हैं, आपको सारी नॉलेज उसमें मिल जाएगी। अगर कुछ रहेगा भी तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी करके आप हमसे कुछ भी आइडियाज़ ले सकते हैं। नॉर्मल चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ें हैं कि अब मैं इस पर एक प्रिंट करने वाला हूँ। अब देखिएगा, मैंने कंट्रोल भी किया और मैं तकरीबन 2 स्टिकर प्रिंट करने वाला हूँ। अब ये देख पा रहे हैं मैंने डिफ़ाइन कर लिया है 2। अब प्रिंटर के पास जाएंगे तो जस्ट मैं इस पर प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं कि मैंने ये प्रिंट कर दिया है। अब इस स्टिकर को मेरे को अपनी क्लोथ्स, जैसे कि आप देख पाएंगे ये कुछ क्लोथ्स हैं, सैम्पल हैं जो मेरे पास हैं, जैसे कि इसमें हमको सॉक्स यानी मोज़ा टाइप जैसे बोलते हैं वो है, एक एडिडास का बहुत अच्छा ब्रांड है ये। देन ये शर्ट हैं कुछ,
अब इनके ऊपर जो ये बने हुए रैंडम स्टिकर्स होते हैं इन्हीं के ऊपर, ताकि कस्टमर बार बार रेट पूछने ना आए, बार बार रेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका स्टिकर निकालते हैं और इसके ऊपर कहीं भी किसी भी एरिया रैंडम एरिया में पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने स्टिक कर दिया है, ये चिपका दिया है, इसके ऊपर लगा दिया, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इससे क्या होता है आपका कि आपने सीधा इसको पैक कर देना है और स्टिकर्स जैसे पैक होने के बाद कस्टमर इसको नॉर्मली देख सकता है क्या प्राइस है, ठीक है। ये शर्ट का ये नॉर्मली मैंने सिर्फ रैंडमली एक ऐसा दिखाने के लिए डाला है, प्राइसिंग आपके हाथ में होती है कि आप कस्टमर को क्या देना चाहते हैं, जितना अच्छा उसको ऑफर देना चाहते हैं ऑफर के साथ या जो भी आपको सुटेबल प्राइस लगे। उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्टिकर इस टैग के अंदर ही लगना चाहिए, स्टिकर प्रिंट किया, मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं, अगर उनमें रैंडमली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है तो आप उसे उसके ऊपर लगा सकते हो। जाहिर सी बात है कस्टमर उसका प्राइस देखेगा, उसको डन होगा, वो निकालेगा, चेक करेगा और देन आपसे बार्गेनिंग का जो भी उस आपका रेट रहेगा वो बात करेगा। देन और भी कुछ चीज़ें हैं, अब मेन पॉइंट आगे प्रोसेस बढ़ जाता है आपका कि इसको रिकॉर्ड में कैसे रखें। अब ये तो हो गया बारकोड प्रिंटर के रिकॉर्डिंग वीडियो, अब आपका दूसरा काम आता है कि इसका जब आप कस्टमर को सेल करते हो तो उसका बिलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो बिलिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है हम उसको पहले एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है उसमें हम पहले उसको रॉ मटेरियल को इन करते हैं तभी उसको हम सेलेबल कंडीशन में बेच पाएंगे। तो हम उसको इन कैसे करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर हम उसमें यूज़ करते हैं और कौन सा हमारा बिलिंग प्रिंटर होगा जिससे हम उसे निकाल के कस्टमर को बिल देंगे। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि सेलिंग कैसे करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल को किस सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, कैसे प्रोसेस है, वो सब कुछ बता देता हूँ। तो रीज़न नहीं है, एटलीस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ सामने कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑन किया, ये मेरा बिलिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई रॉ मटेरियल को मुझे इन करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा मास्टर में। मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हमें उसे सेल करने के लिए पहले अपने ही डेस्कटॉप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उस प्रोडक्ट को सारों को इन करना है। इन करने के लिए हम जैसे मास्टर में गए और मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट में हम सबसे पहले जो भी हमारी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए हमारी शर्ट है, अब हम हमारी शर्ट की इसी शर्ट की सेम कलर की क्वांटिटी कितनी भी हो आप एक बार में मेंशन कर सकते हो, उसके प्राइजेस वगैरह हैं वो डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया था, आपके सामने प्रिंट किया, स्टिकर निकाला, स्टिकर बैंड किया इसके ऊपर, अब इसको मैं इसके अंदर एंट्री कैसे करता हूँ आप ये देख पाएंगे। मैं सबसे पहले तो सब देखिए, जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा लिखा है, इस पर ब्रांड है सन वाइट, तो मैं इस पर सन वाइट लिख लेता हूँ, मैंने सन वाइट लिख दिया है। अब इसमें दूसरा प्रोसेस मांगता है कि GST कोर्स वगैरह समथिंग, क्या प्रोडक्ट है, कितनी GST आप उस पर रखना चाहते हो, क्योंकि आज तक जितना भी प्रोडक्ट है वो सब GST में ही होता है। जस्ट वेट, ये देखिए मैं सिर्फ प्रोसेस में 9 डालूंगा और ये टोटल 18% जितना GST इस पर लगता है वो सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो भी ब्रांड है सेम ब्रांड है हमारा सनलाइट का, नेक्स्ट जो भी हम उसका प्राइस रखना चाहेंगे, आइटम वाइट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या है, शर्ट है, शर्ट डाल देंगे। देन दूसरा प्रोसेस होता है परचेस प्राइस और सेल्स प्राइस, परचेस प्राइस जो भी हम कस्टमर को देना चाहें और सेल्स प्राइस जो हम ले रहे हैं, रॉ मटेरियल जिससे भी ले रहे हैं वो हमारा है, वो सिर्फ हमें इंटरनल शो होगा, बाकी आप उनको क्या बेच रहे हो वो उसमें आप डाल सकते हो, ताकि आपको ये रिकॉर्ड रह सके कि मैंने कितने का लिया और उसे मैंने कितने में बेचा, मेरा प्रॉफिट वगैरह कितना कहाँ है कैसे और मेरा रॉ मटेरियल कितना आया था और कितना बिक चुका है, सारी डिटेल्स इसी के अंदर, सारी हिस्ट्री इसके अंदर होती हैं। तो हम डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी शर्ट इस पर जो मैंने लगाया है वो 550 है, मैं 550 सेल्स में डाल देता हूँ और परचेज मेरे को पड़ा 400 रुपये का, मैंने दोनों डाल दिया है। अब डालने के बाद हम इसमें सबसे ज़्यादा प्राइजेस हम डाल चुके हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी होती हैं, अब हम डालते हैं इसका यूनिक कोड जो हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मैंने बारकोड में एक कोड मेंशन किया हुआ है, मैं इसको स्कैन करूँगा वो यहाँ आकर के फीड हो जाएगा, ये हमारा स्कैनर होता है, इसकी नीड भी आपको ज़रूर पड़ेगी, आपका ये पूरा जितना भी प्रोडक्ट है उसके अंदर इसकी भी आपको
नीड पड़ेगी। हम खुद उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने पे आप देख पा रहे हो ये डाटा इसके अंदर इन हो चुका है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने से क्या होगा, आपका जितना भी रॉ मटेरियल है प्रिंट हो करके इसमें सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद कस्टमर आता है, कस्टमर लेता है, तो आपका बहुत सा टाइम बच जाता है कि आपको बार बार एक चीज़ों के लिए लिखना या जो भी है याद करना नहीं रहता है। इसमें सीधा MRP लिखा होता है, फिक्स प्राइस आपका होता है, तो उसमें आपको सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर को खोलना है, और बिलिंग वाले सॉफ्टवेयर में जिसमें सेल करना है हमें, तो उसमें सिर्फ स्कैन करना है, इस कोड को सिर्फ स्कैन करना है। इसकी सारी डिटेल्स आपके बिलिंग डिटेल्स में ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो, तो उसको उसके बाद आपको आसान हो जाता है कस्टमर को बिल देना। दोस्तों अभी तक मैंने आपको इन्वेंट्री में कैसे रॉ मटेरियल चढ़ाते हैं वो तो दिखाई दिया है, अब आता है सेल्स के रिगार्डिंग। जैसे कि अब कस्टमर आपके पास, मान लीजिए आपकी शॉप्स में आया, कस्टमर ने आपका आपके यहाँ से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपका आता है प्रोसेस बिलिंग का। अब ये जो हमारे पास छोटा सा प्रिंटर आप देख पा रहे हैं, ये बिलिंग पर्पज़ के लिए ही आता है, जैसे कि कस्टमर्स को आप बिल देते हो। अब उसमें आपको बिल कैसे देना है, आपको आसान कैसे हुआ कि मेरे को इसे लगाने से आसान कैसे हुआ, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका रैंडमली कोई कस्टमर आ गया है, उसने आपके पास से पैंट शर्ट लोअर दोनों तीनों ले लिए हैं, अब आपको बिल बनाना है, तो बिल कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब हम न्यू इनवॉइस बिलिंग निकालते हैं। बिल में हम सबसे पहले अपना शर्ट को देते हैं, न्यू इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे, आइटम कोड पे स्कैन करते हैं, आइटम कोड जैसे स्कैन हो जाता है उसको एंटर मारना है। देन अब मान लीजिए वो दो भी ले रहे हैं, तो आप उसको दोबारा स्कैन कर सकते हैं, दो मात्रा चढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए अब हमारा अगला प्रोडक्ट है लोवा, हमने स्कैन किया और देन एंटर किया, ये टोटल मान लीजिए अभी मैंने दो स्कैन किए हैं, दो मतलब एक को आइटम को दो बार और एक को एक बार स्कैन किया है, मैंने ये स्कैन कर लिया है। अब बिल निकाल देते हैं, सिंपल और सेव, सीधा नीचे लिखा हुआ है सेव एंड प्रिंट, अब हम प्रिंट कर देते हैं। ओके, आप ये देख पा रहे होंगे ये बिल कंडीशन में निकल चुका है, इसको इजी है, इसको ये डॉट इसमें कटर होता है जिससे ऑटोमेटिकली कट कर देता है, और ये पूरा आपका बिल एक मेंशन हो जाता है। ये टोटल अमाउंट इसमें आपका दिख गया है, कितने आइटम्स आपने उसको किस प्राइस पे रखे हुए हैं सब कुछ दिख रहा है इसमें, GST वगैरह सब कुछ लग सकता है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको पूरा सेटअप कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे बिल निकालते हैं, वो सब कुछ इसमें दिखा दिया है इस वीडियो में। अगर आपको इससे इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इससे जो भी रिलेटेड आपकी कुछ बातें हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं, ताकि आपका कुछ भी अगर ऐसा कोई कमेंट रहता है जिसमें आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैंने आपको बताया कि आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।